हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और काफ़ी सारे लोग जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे बांसुरी मार्केट के ब्लॉग के लिए, तो फिलहाल मैं आया हूँ बांसुरी मार्केट। और यहाँ पे एक मेरे व्यूवर्स हैं जिनका नाम है मंसूर अख्तर। वो काफ़ी समय से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे बांसुरी मार्केट के ब्लॉग के लिए, और उन्होंने कुछ मेरी बातें कही थी कि यहाँ की जो चीज़ें फेमस है। मैंने उनसे पूछा था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है जो मैं कवर कर सकता हूँ, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो लोंगलाता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ के जो नंदी जी के समोसे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कि बांसुरी के अंदर। और यहाँ के उन्होंने लिखा था और स्टेट बैंक के पास के जो मोमोज हैं क्लोथ की शॉप अच्छी अच्छी है, और उसके अलावा उन्होंने कहा था अंकुर पब्लिक स्कूल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अभी नन्हे जी के समोसे पे, और यहाँ पे हम खाने वाला है समोसा, और उसके अलावा हम जो टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे लोंगलाता। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे है ये चौराहे के ऊपर है, इसकी जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए चलते फिर यहाँ पे और टेस्ट करते हैं यहाँ के समोसे और लोंगलाता, और उसके अलावा मोमोज है रह गया, और क्लोथ्स रह गया, और जो भी मार्केट है वो आगे मैं आपको फर्दर दिखाता हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पे लेने वाले एक समोसा और देखा जाए तो काफी छोटी शॉप है, बट रश काफी ज्यादा है। तो ये रहा समोसा जिस तरीके का था, और ये है तीखी चटनी, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आप तीखी चटनी को टेस्ट करते हैं। चटनी वेरी गुड, हालांकि जो मंसूर अख्तर जी ने कहा था यहाँ के समोसे काफ़ी अच्छे हैं, तो डेट वाज गुड। भीड़ दिखा हुआ समोसा, हालांकि जैसे मंसूर जी ने कहा था उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और इसके अलावा हम जो ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे लोंगलाता ट्राई करने वाले हैं, एक चीज़ जो मुझे यहाँ की जब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वहाँ की तीखी चटनी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को। बांसुरी में हो या बांसुरी के आसपास में हो आप आ सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं नन्हे जी के समोसे, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसके अलावा हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ का लोंगलाता, और वो भी देखते हैं कैसा है। तो फिलहाल जब मैं यहाँ पे अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है चारों से, देखिए हमेशा ये सारी चीज़ें होती रहती है जब इस तरह की वीडियो शूट होती है। तो समोसा तो मैंने हालांकि टेस्ट कर लिया, इसके अलावा हम करने वाले हैं टेस्ट लोंगलाता, तो चलिए वो भी देखते हैं। एक बार अंदर से दिखाता हूँ शॉप कैसी है, ये पीछे सामने समोसे रखते हैं, और ये लोंगलाता खाली हो गया, और छोटी सी दुकान है, कोई देखा जाए तो उतने कोई बड़ा सेटअप नहीं, लेकिन जो टेस्ट है दैट इज टू मच गुड। तो एक लोंगलाता दिया था, हमेशा भीड़ लगी रहती है। कैसे लगता है यहाँ का समोसा? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। ये अपना लोंगलाता। तो आफ्टर टेस्टिंग समोसा यहाँ पे हमारा लोंगलाता है, और इसको जरा टेस्ट करते हैं। हालांकि समोसा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें खोया भी काफ़ी ज़्यादा भर रखा है, ओह नो शिट, तो शर्ट पे गिर गया। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुई मुझे देखने के लिए लोगों की। समोसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, लोंगलाता वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा,
और इसके अलावा जो रह गया वो मोमोज रह गया है और उसको भी ट्राई करते हैं, क्लोज की जो मार्केट है उसको भी ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूँ कैमरा घुमाना इधर, भीड़ दिखा दे रहा हूँ। और दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। दिस इज़ द मस्ट रिकमेंड प्लेस इफ यू आर कमिंग टू बांसडी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सो समोसा और लौंगलाता टेस्ट करने के बाद, जैसे कि मंसूर जी ने कहा था कि स्टेट बैंक के पास में मोमोज की शॉप है, बट यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पीछे, आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बांसडी पे, बट यहाँ पे मुझे कोई मोमोज की शॉप को नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा आगे पता करते हैं, यहाँ पे अगर कहीं मोमोज की शॉप मिलती है तो उसको भी जरा ट्राई करते हैं। और हाँ, कपड़े की मार्केट है जैसे कि मंसूर जी ने कहा था। अच्छा, इधर मोमोज भी मिलते हैं क्या कहीं पे? मोमोज भूटान के मिलता है। अच्छा, भूटान की? हाँ। ओहो, तो अभी इन भाई साहब से मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भूटान वालों के पास मिलता है। मुझे तो लगा कि वहाँ पे सिर्फ चिकन मिलता है। तो चल रहे हैं जरा भूटान भाई के पास और वहाँ पे हम जरा मोमोज ट्राई करते हैं कैसा है। ये रहा स्टेट बैंक, और कोशिश कर रहा हूँ कि मंसूर जी ने जितनी बातें बोली थी मोस्टली चीज़ों को कवर करने के लिए। बाकी जो फेमस है वो है लौंगलाता के लिए, वो भी दिखा चुका हूँ, समोसा जो कि नैने जी के फेमस हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे क्लोथ्स की मार्केट है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ काफ़ी। और इसके अलावा चल रहे हैं हम भूटान जी के पास, और ये है माथुरी मेमोरियल स्कूल।